watching Star 9 News. भाईंदर उत्तन सागरी पुलिस ने रेव पार्टी चलाने वाले होटल मैजिक किचन पर की छापेमारी। मुंबई से सट्टे भाईंदर के उत्तन समुद्री किनारे स्थित मैजिक किचन होटल पर भाईंदर के एएसपी अतुल कुलकर्णी ने अपने माथा ताने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर शनिवार की देर रात छापेमारी की। अतुल कुलकर्णी को मुखबिर से ऐसी जानकारी मिली थी कि होटल के मालिक शरद शेट्टी चोरी छुपे अपने होटल में रेव पार्टी चला रहा है। पुलिस को छापेमारी के दौरान होटल से बड़ी यात्रा में हुक्का शराब सहित देह व्यापार कराने के लिए लाई गई तीन लड़की भी मिली। उधर लगभग 8 रूम्स है मैजिक किचन में। उधर तीन लड़की हमने रेस्क्यू किया और जो मेन ओनर्स है उनके ऊपर हमने कार्रवाई किया। उधर हमने डमी कस्टमर को भेजा था और डमी कस्टमर को उधर जो 8 रूम है उसके एक रूम में लड़की दिखाई दिया और उसमें हम डमी कस्टमर के कंप्लेंट के थ्रू हमने गुनाह दाखिल किया है। सर, जैसा कि पता है मतलब और भी होटल्स में उधर इस तरह की अति गतिविधि होने की जानकारी है, आपको भी इसके बारे में कुछ खबर मिली है क्या? ये हमारा पूरा मीरा भाईंदर जे में जो भी इलीगल एक्टिविटीज से चल रहा है जो लॉजेस में हम एक एक करके कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरे जगह है तो हमको बताइए, हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह ये सब होटलें जो चलती हैं इसमें कई बार कार्रवाई की जाती है पुलिस के द्वारा, मगर बावजूद उसके फिर ये वापस दोबारा चालू हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ कार्रवाई करेगी ताकि दोबारा इस तरह की गतिविधियाँ चालू ना रहें? इसमें हम मेन जो मालक है उनको हमने अरेस्ट किया है। उसके साथ उसके जो भाई है वो चलाता है, वो मैनेजर है, उनको खुद ऑन द स्पॉट हमने अरेस्ट किया। तो ये करने के बाद ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि जो भी दूसरे केसेस में आप देख सकते हो मालक फरार है, ऐसा हम काफ़ी आप देख सकते हो, लेकिन इसमें हम जो मेन थे उनको ही हमने अरेस्ट किया है। उसका पूरा हम एनालाइज करके साइबर फोरेंसिक्स वगैरह करके जो उनका पूरा नेटवर्क है उसको हम क्रैक करने वाले हैं। इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके मीडियम्स के थ्रू देना है कि ये टॉलरेट नहीं होगा मीरा भाईंदर में और कड़क कार्रवाई होगा। सर, यहाँ से छापेमारी के दौरान क्या क्या मिला है आपको? हमको तीन ये पीटा केस में तो तीन लड़की को हमने रेस्क्यू किया और जो ओनर्स थे उनको अरेस्ट किया। बाकी हमको हुक्का का वो पॉट्स वगैरह मिला है और इलीगल दारू भी चल रहा था, वो भी केस प्रोहिबिशन एक्ट में हमने दाखिल किया है।